Hello everyone, once again welcome back in Maths Online Class Mathematics by Manish Singh. Students, in this video, I will be explaining and solving the exercise 9a. Because in my previous video, I have explained you uh, the basic things of the percentage, means how we can convert the percentage into the fraction and decimal, and how we can convert the decimal and fraction into the percentage. So, here we will be discussing about the सेकंड इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन ओनली द फर्स्ट रूल कन्वर्जन ऑफ कि कैसे आपको फ्रैक्शन परसेंटेज को डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो यहां हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कन्वर्ट करते हो किसी भी कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल ये किसका कन्वर्जन है कन्वर्जन ऑफ फैक्शन एंड डेसिमल इनटू परसेंटेज परसेंटेज कैसे आप कन्वर्ट करते हो फैक्शन या फिर डेसिमल को इन परसेंटेज में तो देखो यहां मैंने उस टाइम आपको लास्ट टाइम वीडियो थोड़ा सा पिक्चर बना के दिखाया था कि कैसे आपको कन्वर्ट करना होता है किसी भी परसेंटेज में परसेंटेज कैसे कन्वर्ट कर सकते हो करके. अब यहां क्या करेंगे हम सिंपल सा फिगर बना के आपको एक्सप्लेन करता हूं दिस इज फ्रैक्शन दिस इज द डैशिमल ओके एंड नाउ दिस इज द परसेंटेज परसेंटेज दिसेंटेज अब ये परसेंटेज सो फैक्शन से हम परसेंटेज में कैसे आएंगे मीन्स ऑडेसिमल से हम परसेंटेज में कैसे आएंगे मतलब कैसे कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी चीज को फैक्शन से डेसेंटेज में ऑडेसिमल से परसेंटेज में तो हम यहां कन्वर्ट कर सकते हैं बाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई मल्टी बाई मल्टीप्लीकेशन और किस नंबर से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड सेम एज इल्टीप्लाई और किस नंबर से मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड आप जब डिमल को कन्वर्ट कर दोगे परसेंटेज में कैसे आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो फैक्शन परसेंटेज में कैसे मल्टीप्लाई करके हंड्रेड से मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड एग्जाम्पल देखो तो चीजें आपको काफी क्लियर हो जाएंगी एग्जाम्पल नंबर आई डिशमेंट टू परसेंटेज सपोज दैट इज गिवन वन अपॉइंट टू एंड देन क्वेश्चन इज राइट एज इन परसेंट राइट एज इन परसेंट वन अपॉइंट टू सो कैसे करोगे तो वन अपॉइंट टू सिंपली मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड आप इसको मल्टीप्लाई हंड्रेड दोगे लाइक दिस एंड नाउ यू टू वन एंड टू फिफ्टी यू गेट फिफ्टी परसेंट परसेंटेज में अगर कोई भी परसेंटेज इस फॉर्म में दिया हो मिक्स फॉर्म में कोई फैक्शन इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं पहले अगर हो गए थ्री टू जिक्स प्लस वन सेवन अपॉइंट टू यू नो वेरिएबल हाउ यू कैन कन्वर्ट एनी नंबर एनी फैक्शन मिक्स फैक्शन इन टू द इम्रॉपर ऐसे करेंगे आप फिर आप क्या करोगे इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दोन मल्टीप्लाई बाई फिफ्टी सेवन फाइव थर्टी फाइव थ्री हंड्रेड फिफ्टी सो दिस इज द्री हंड्रेड फिफ्टी परसेंट वॉट थ्री हंड्रेड फिफ्टी परसेंट दिस इज देंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये बात हो गई फैक्शन की अब हम एग्जाम्पल्स यहां ले लेंगे एग्जाम्पल यहां ले लेंगे हम डेसिमल का डेसिमल क्या लेंगे अब आप जब डेसिमल से करोगे तो क्या हो जाएगा डेसिमल से करने पे होता क्या जैसे जीरो पॉइंट फाइव एट है ठीक जीरो पॉइंट फाइव एट को आपको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में परसेंटेज फॉर्म में विश्व फॉर्म सिंपली आपको रूल पता है आंसर ओके रूल होता है जैसे रूल ये सेकंड रूल था वो फर्स्ट रूल है और दिस इज द सेकंड रूल कन्वर्जन ऑफ एक्शन एंडमल द परसेंटेज एंड दैट वॉज कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू टू फैक्शन एंड डेसिमल ओके दिस वॉज रूल ऑफ द नाउ वी सॉल्व नाइन ए सम ऑफ़ ए, ऑन द बेसिस आप दिस रूल, इसको क्वेश्चन नोट भी कर सकते थे आप इसको पॉज कर लेना उसके बाद नोट करना आप यू कैन इज़ीली, अंडरस्टैंड हाउ वी कैन कन्वर्ट द परसेंटेज ओके नाउ एक्साइज सम क्वेश्चन बी टेकिंग हियर एंड विच क्वेश्चन हियर इज गिवन लाइक एज अ फर्स्ट कि कुछ भी कर रहा है फर्स्ट दिस सेकेंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड हियर इज एंड क्वेश्चन सेकेंड इज कि आपको परसेंटेज को किस फॉर्म करना है फैक्शन फॉर्म में ट्वेंटी फाइव परसेंट एज फ्रैक्शन फॉर्म ट्वेंटी फाइव परसेंट एज अ फ्रैक्शन फॉर्म सो हाउ यू कैन कन्वर्ट ट्वेंटी फ्रैक्शन फॉर्म यू नो आपको फ्रैक्शन में जाना है इफ यू नो द रूल एंड वॉट इज द रूल जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हो तो क्या करते हो आप डिवाइड कर देते हो हंड्रेड से एंड द क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम राइट इन अस्ट फॉर्म एज अ फ्रैक्शन बट राइट इज एन सिंपलेस्ट फॉर्म सो हाउ यू कैन राइट इज अंपलिस्ट फॉर्म ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड लाइक दिस एंड दिस ट्वेंटी हो गया आंसर हो गया अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन टू ये परसेंटेज हो करा इसको आप कन्वर्ट करिए सिंपलस्ट फॉर्म में तो पहले अगर होगी फोर टू ज्ल टू हो गया फिर इसको आप कर दोगे टू अपॉन हंड्रेड अंडरस्टूड

परसेंटेज को ही डेसिमल फॉर्म में करना है तो जैसे आपको कह रहा है कि कन्वर्ट दर्टी ट्वेल्व परसेंट इन टू द एज डेसिमल तो डेसिमल में कैसे करोगे ट्वेल्व परसेंट एज ए डेसिमल तो सेम आपको पता है ट्वेल्व अपॉन हम क्या कर देंगे डिवाइड बाय हंड्रेड एंड जीरो पॉइंट वन टू दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके अगर यही चीज पहले से ही किसी ऐसे दी गई हो अब फिर क्या एडिशमल फॉर्म में कन्वर्ट करिए पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया इसको पहले ही कन्वर्ट कर लेंगे हम पहले फैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे फिफ्टीन अपॉइंट टेन क्यों क्योंकि डिशमल यहां वन डिजिट पे है इसे फिफ्टीन अपॉइंट टेन हो गया तो फिफ्टीन अपॉन्ट टेन अपॉन हंड्रेड हो जाएगा ये तो फिफ्टीन अपॉन ये थाउजेंड हो जाएगा और फिर जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव इसका आंसर हो जाएगा ठीक आज डेसिमल करना था हमने डेसिमल कर दिया जीरो पॉइंट जीरो आंसर ये सारी चीजें बेस हो गई फर्स्ट रूल पे क्या था परसेंटेज को कन्वर्ट करना था फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में ठीक परसेंटेज कन्वर्ट करना था फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में अब इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो अगर हम इसको यहां कर दें क्या नेक्स्ट दूसरे रूल पर आ जाए कि जहां आपको कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज को या फिर फ्रैक्शन को या फिर डेसिमल को परसेंटेज फॉर्म में कैसे करोगे जैसे क्वेश्चन नंबर अब यहां से फोर हो गया ठीक कह रहा है कि थ्री अपॉन टू एज परसेंटेज आपको पता है रूल जब हम फ्रैक्शन और डेसिमल से जाते हैं परसेंटेज में तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड थ्री अपॉइंट टू मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड एंड दिस इज ए परसेंटेज ये क्या हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा यहां से फिर आप क्या कर दोगे टू हन टू फिफ्टी क्या हो जाएगा हंड्रेड फिफ्टी परसेंट्रेड फिफ्टी परसेंट ओके तो वही चीज अगर सिंपल चीज अगर यही किस में दिया गया हो मिक्स फ्रैक्शन में वही बार बता रहा हूं आपको मिक्स फ्रैक्शन फैक्शन टू एज ए परसेंटेज तो क्या करोगे थ्री अपॉन टू हो गया मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ये हो जाएगा टू फिफ्टीजा और फिर से वही चीज आएगी ये ठीक है यहां चीज वही थी मैंने इसको फैक्शन मिक्स फैक्शन में कर दिया अब सेकंड है फिफ्थ क्वेश्चन अगर डेसिमल फॉर्म है जीरो पॉइंट सेवन सिक्स कह रहा है कि इसको परसेंटेज के फॉर्म राइट करिए तो कैसे करोगे सिंपल जीरो पॉइंट सेवन सिक्स मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड यह आपका परसेंटेज हो गया फिर क्या हो जाएगा 76 परसेंट ओके सो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द टुडे ये आज इतना तीनों दोनों फॉर्मूले हमने इसको बता दिया फिर नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चन को और आगे बढ़ेंगे तो आपका होमवर्क आज से हो जाएगा उस क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव एस चांद पब्लिकेशन की बुक है उससे करिएगा एस चांद पब्लिकेशन एक्सरसाइज नाइन ए So students, thank you and take care.